नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। आज आपको इस वीडियो में मंगल ग्रह से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। आपके मन में सवाल आते होंगे कि क्या पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा ग्रह भी है जहां पर मनुष्य रह सकता है। आपको इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे और साथ में आपको समझाने के लिए हमने 10 ऐसे पॉइंट तैयार किए हैं जिन्हें जानकर आप ये पता कर पाएंगे कि क्या मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह मनुष्य के रहने लायक है या नहीं। पॉइंट नंबर 1, मंगल ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। यह दिखने में लाल होता है जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो मंगल ग्रह भी पृथ्वी की तरह एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है जहां पर ज्वालामुखी, घाटियां, रेगिस्तान, बर्फीली चोटियां आदि भी मिलती हैं। लेकिन इस ग्रह पर इंसानों का रहना नामुमकिन है क्योंकि मंगल ग्रह का तापमान सामान्यतः 60 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में यह तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। पॉइंट नंबर 2, मंगल ग्रह के लाल रंग होने का कारण यह भी है कि इसकी सतह पर बहुत अधिक मात्रा में लोह ऑक्साइड मौजूद है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। और मंगल ग्रह के वातावरण में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है जो इंसानों के लिए बेहद नुकसानदायक है। पॉइंट नंबर 3, मंगल ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर पाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण का लगभग 37% है। यदि आप मंगल ग्रह की सतह पर कोई वस्तु उछालते हैं तो पृथ्वी की सतह के मुकाबले 3 गुना ऊपर उछलेगी। यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 100 किलोग्राम है तो मंगल ग्रह पर उसी व्यक्ति का वजन केवल 37 किलोग्राम ही होगा। पॉइंट नंबर 4, पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर भी साल में 4 मौसम आते हैं, पतझड़, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु। हालांकि पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह पर हर मौसम लगभग 2 गुने वक्त तक रहता है क्योंकि मंगल ग्रह पर एक वर्ष 687 यानी कि 687 दिनों का होता है। पॉइंट नंबर 5, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चांद है वैसे ही मंगल ग्रह के भी 2 उपग्रह मौजूद हैं जिनका नाम है फोबोस और डिमोस। फोबोस का व्यास है 13.8 मील और डिमोस का व्यास है 7.8 मील। ऐसा माना जाता है कि फोबोस उपग्रह धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है। लगभग 100 साल में 1.8 मीटर ये मंगल की तरफ झुक जाता है। नासा के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 5 करोड़ साल बाद ये उपग्रह मंगल से टकराकर टूट जाएगा। पृथ्वी और मंगल ग्रह करीबन 2 साल में एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। इस दौरान हम पृथ्वी से नंगी आंखों से भी मंगल ग्रह को देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि लगभग 400 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह पर भी पानी मौजूद था? नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल की सतह पर इतना पानी था कि इससे पूरे ग्रह पर लगभग 1500 मीटर गहरा समुद्र बन सकता था। लेकिन इस ग्रह पर चुंबकीय शक्ति खत्म होने के कारण मंगल ग्रह का वातावरण खत्म होने लगा और धीरे धीरे करोड़ों सालों में मंगल ग्रह पर पानी क्षीण होने लगा और ये ग्रह एक सूखे ग्रह में तब्दील हो गया। पॉइंट नंबर 7, इस समय मनुष्य द्वारा बनाई गई लगभग 12 वस्तुएं मंगल ग्रह पर मौजूद हैं। इसके अलावा लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो एलियंस होते थे उनकी खोपड़ी जिन्हें कपाल के नाम से जाना जाता था वो भी इसी ग्रह पर मौजूद थी। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि मार्च के महीने का नाम मार्स प्लेनेट के नाम पर ही रखा गया था। पॉइंट नंबर 8, अगर मंगल पर जीवन की शुरुआत होती भी है तो भी इंसानों के लिए जीना बेहद मुश्किल होगा क्योंकि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने के लिए पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत मौजूद है। लेकिन मंगल ग्रह पर सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधी गिरती हैं जो इंसानों के लिए बेहद घातक और जानलेवा होंगी। पॉइंट नंबर 9, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 5 नवंबर 2013 को अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया था जो कि 24 सितंबर 2014 को मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंचा था। भारत अपने पहले ही प्रयास में अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। पॉइंट नंबर 10, मंगल ग्रह के बारे में ये बात आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत मंगल ग्रह पर ही मौजूद है जिसे ओलंपस मून्स के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 21 किलोमीटर ऊंचा और 600 किलोमीटर व्यास वाला ये ज्वालामुखी जो करोड़ों साल पहले मंगल की सतह पर बना था जो आज भी मौजूद है।
दोस्तों, ये मंगल ग्रह के बारे में हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। ये जानकारी जानने के बाद आपको मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा और आप ये भी जान गए होंगे कि क्या वास्तव में मंगल ग्रह इंसानों के रहने लायक है या नहीं। ऐसी नॉलेज भरी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।